मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर को फ्रीज कर दिया है, यानी कि अब चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में धनुष और तीर चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे गुट और ठाकरे गुट में काफ़ी खींचतान जारी थी। शिंदे गुट ने शिवसेना के धनुष तीर को लेकर दावा किया था और चुनाव आयोग से इस पर चुनाव लड़ने की मांग भी की थी, मगर चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर को एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। दोनों ही गुट धनुष और तीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अंधेरी पूर्व सीट के उपचुनाव में दोनों गुट को नए चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे, दोनों पार्टियों को नाम आवंटित किए जाएंगे, दोनों गुट अपने मनपसंद चुनाव चिन्ह को ले सकेंगे। यानी कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो है अब चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया है और नए चुनाव चिन्ह इन्हें दिए जाएंगे। आपको बता दें कि दोनों गुटों को 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं और अब ये माना जा रहा है कि दोनों गुटों के पास अब चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह होंगे।